सीताफल में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसे गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लाभ तो कई है। सीताफल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण कैंसर के जोखिम से हम बच सकते हैं। वैसे तो सीताफल खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीताफल कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। सीताफल यानी शरीफा को अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी सीताफल पसंद है तो इसे खाने के नुकसान भी जान ले। सीताफल जितना खाने में मजेदार और फायदेमंद होता है, इसके बीज उतने ही जहरीले हो सकते हैं। इसलिए इसे खाते समय बीज का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अक्सर पाचन से जुड़ी समस्या रहती है तो आपको गलती से भी शरीफा यानी सीताफल नहीं खाना चाहिए। सीताफल में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए अगर इसका सेवन ज्यादा कर लिया जाए तो पेट दर्द, गैस, दस्त, आंतों में जकड़न जैसी परेशानियां शुरू हो सकती है। एलर्जी की समस्या। कई लोगों को सीताफल खाने से एलर्जी हो जाती है। अगर आपको भी सीताफल खाने के बाद खुजली, चकते आदि की समस्या होती है तो इसे आगे से न खाएं। सीताफल में भरपूर मात्रा में आयरन भी होता है।